हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स बहुत ही आसान और सरल तरीके से। ये आज हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, है ना। इसके पहले हमारे थ्री लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये सिखा दिया था। दूसरी बात ये कि फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद रहना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए। सेवन फिजिकल क्वांटिटीज है, सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि किसके लिए क्या यूज किया जाता है। दूसरी बात ये कि आज हमारा जो लेक्चर होगा, इस फोर्थ लेक्चर में डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे और कल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाकर देखेंगे कि हम लोगों से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का फोर्थ लेक्चर। पीपीटी अपनी ओपन कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। इसके बाद इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। एरिया का क्या होता है, वॉल्यूम, मास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्पीड। हाँ, यहां पे मैंने आपको फोकस करने बोला था। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। जिस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन का बता दिया था, फोर्स, इंपल्स, वर्क एनर्जी का फिर देखो क्या है, एम एल टू टी माइनस टू। मतलब अपने पास टू फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, कौन सी, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क एनर्जी, इनके क्या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने किसका देख लिया था, पावर का, मोमेंटम का, और किसका बेटा, प्रेशर, स्ट्रेस, है ना, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ये थर्ड अपने पास पेयर मिल गया। स्ट्रेन का मैंने बता दिया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगल, है ना, और किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया था। शायद कुछ प्रैक्टिस करने भी दिया था कि बेटा आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनाकर आने हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाकर आने हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि प्रैक्टिस करिए घर में, ठीक है। इसके बाद एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वैसे तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, है ना। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से समझना। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये हमने पता कर लिया है, क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एम जीरो एल जीरो, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ये फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है बेटा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, एम जीरो एल और क्या हो जाएगा, टी जीरो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वेवलेंथ का। हबल कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट है। रिसेशन स्पीड, स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, एम जीरो एल टी माइनस वन अपॉन, डिस्टेंस के लिए हमें क्या लिखना है बेटा, एल, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। क्या बचा जरा देखिए, एम जीरो एल नहीं है तो क्या लिखना होगा, एल जीरो और क्या हो गया, टी माइनस वन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, हबल कॉन्स्टेंट का, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, ध्यान से समझना, फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन में क्या है बेटा, एरिया, ठीक है, जरा ध्यान से समझ। एनर्जी के लिए क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम के लिए क्या लेना है, टी, टाइम के लिए क्या लेते हैं, टी लेते हैं। एरिया के लिए क्या हो जाएगा, आप अपने नोट्स में देखिए जरा, एरिया के लिए क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना, एम एल स्क्वायर
टी माइनस टू अपॉन टी इन टू, है ना, एल स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा, वन। जरा ध्यान से समझे बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से समझे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपने से, है ना, ये थोड़ा सा देखें। ठीक, एलिस वन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, वन अपॉन क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर। ठीक है, इतना एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल आउट, एम जीरो, एल तो नहीं है, एल जीरो टी ऊपर चला गया, माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। आई होप आप ये भी समझ गए। तो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ वेव का डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल जीरो टी माइनस थ्री। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जरा, नेक्स्ट क्या होगा अपना, है ना, तो इसे थोड़ा सा ऐसे रब कर लेते हैं यहाँ साइड में हम लोग। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, है ना, इंटेंसिटी ऑफ वेव का, एम एल जीरो टी माइनस थ्री। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्या है अपने पास, रेडिएशन प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ वेव का तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, क्या बेटा, एम एल जीरो टी माइनस थ्री अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम जीरो एल टी माइनस वन। जरा ध्यान से समझे यहां पर, है ना, एम क्या हो गया, एम एज इट इज रह जाएगा, एल जरा देखो एल ऊपर चला गया, एल माइनस वन, इसको जरा देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन, है ना, ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस टू। आई होप आप समझ गए। तो रेडिएशन प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए बेटा ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा, एनर्जी का वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, याद रखिएगा, एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, एम एल टू टी माइनस टू, या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए जरा देखिए क्या होता है, एल थ्री, तो ये टू तो कैंसिल आउट हो गए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, एनर्जी डेंसिटी का, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का जरा देखो, रेनॉल्ड नंबर, एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, टू क्या है, कांस्टेंट होगा ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने नंबर में भी नहीं लिखा था, तो टू का हम नहीं लिख रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अर्थ रेडियस, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस मतलब टू। ठीक, और किसका लिख लें, अर्थ रेडियस का मतलब एल, तो इनटू एल हो जाएगा, तो ये हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, वन बाई टू, एम जीरो, जीरो इंटू वन बाई टू जीरो ही होगा, एल टू इंटू वन बाई टू, टी माइनस टू इंटू वन बाई टू, तो एम जीरो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एल वन टी टू से टू कैंसिल आउट, माइनस वन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, इसके पहले हमने एम जीरो नहीं लिखा था, वहां मिस्टेक हो गई थी अपने से, कोई टेंशन वाली बात। ठीक, तो ये क्या हो गया, एस्केप वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट जरा देखते हैं, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब किसके इक्वल होगा, एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप डायरेक्ट बता सकते हैं, वैसे फाइंड आउट करके देखते हैं, फोर्स का क्या होता है, एम एल, है ना, टी माइनस टू
इनटू डिस्टेंस के लिए आप क्या लेंगे एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी का डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है एम एल टू टी माइनस टू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट जरा देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने कहा कि वर्क और एनर्जी का डाइमेंशनल फॉर्मूला, किसका डाइमेंशनल फॉर्मूला, वर्क और एनर्जी का डाइमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, क्या हो जाता है एम एल टू टी माइनस टू। थोड़ा प्रूव करके देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक। कॉन्स्टेंट के लिए तो हम लोग लिखेंगे नहीं, एम एम क्या होता है मास, मास के लिए एम, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे एल टी माइनस वन, ठीक है, स्क्वेयर कर देते हैं। एम पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाइंग, तो क्या हो जाएगा बेटा टू माइनस वन इंटू टू, है ना, माइनस टू, ठीक, क्या हो गया एम एल टू टी माइनस टू, तो सही है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, क्या लगता है आपको पोटेंशियल एनर्जी का डाइमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने कहा कि एनर्जी और वर्क का डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। चलो एक बार प्रूव करके देख लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास के लिए क्या लिखेंगे एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या लिखेंगे एल टी माइनस टू, ठीक। और हाइट के लिए, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखना है आपको एल, तो ये हमने लिख दिया एल, एल इंटू एल क्या हो गया एल स्क्वेयर, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। आई होप आपको समझ में आ गया। कि अब जरा ध्यान से समझना, वर्क एनर्जी, अब एनर्जी में क्या क्या लिया हमने, है ना, काइनेटिक एनर्जी भी ले लिया और पोटेंशियल एनर्जी भी ले लिया, तो इनके डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके पहले भी, है ना, इसके पहले भी हमने और एनर्जीज देखी, कौन सी एनर्जी थी, है ना, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इनके भी डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने पास, हाँ यहां पर देखो एक वर्ड आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। क्या हमने मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डाइमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट किया है? बिल्कुल डाइमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, दिखा भी देते हैं। शायद हमने वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये देखें एम एल टू टी जीरो, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन होल स्क्वायर, ठीक, क्या होता है एम एल टू टी जीरो। शायद आप इसे बना लेंगे, फिर भी हम एक बार बनाकर बता दे रहे हैं, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से समझें। वन बाई टू के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया के लिए क्या लिखना है एम एल टू टी जीरो, वेलोसिटी के लिए क्या लिखना है, वेलोसिटी के लिए क्या लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या लिखना है, क्या हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा है आपको? हाँ पढ़ा दिया है, दिखा देते हैं, ठीक। तो ये जरा देखिए एंगुलर वेलोसिटी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा दिया है आपको शायद, जहां तक हमें याद है, हाँ एंगुलर वेलोसिटी ये जरा देखो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ये, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ये है, ये भी नहीं है, हाँ ये है, एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, ठीक, एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। तो इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, कहाँ गया ये देखो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का तो हो गया क्या बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का हो गया एम एल टू टी जीरो, एंगुलर वेलोसिटी का क्या, एंगल अपॉन टाइम, तो एंगल तो क्या है डायमेंशनलेस फॉर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, है ना, एंगल अपॉन टाइम एम जीरो
एल जीरो टी माइनस वन, ठीक है। जरा देख लो जो जो कैंसिल आउट हो रहा होगा, एम एल टू टी ऊपर चला जाएगा, टी हो गया, क्या हो गया बेटा, एम एल टू टी वन, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, एफिशिएंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला जरा देख लेते हैं। एफिशिएंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, एफिशिएंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, ठीक है, एक मिनट, एफिशिएंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है आउटपुट वर्क और एनर्जी अपॉन इनपुट वर्क और एनर्जी। एनर्जी है, एनर्जी से एनर्जी कैंसिल आउट होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये कि एम जीरो एल जीरो टी जीरो एफिशिएंसी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, एंगुलर इंपल्स टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताएं, ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स के लिए हम लोग लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस के लिए हम लोग एल लिखते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टू टी माइनस टू, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम के लिए क्या लिखना है, टी लिखना है, ये टाइम के लिए हमने टी लिख दिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एम एल टू, बेस सेम हो, पावर एड हो जाती है, माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस वन हो गया, तो क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है जरा बताएं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एंगुलर इंपल्स का, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोस्ट आईएमपी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको किसी भी कंडीशन में आपको याद रखना ही है, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखो या ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, दोनों में से कोई एक याद रखो बन जाएगा ऑटोमेटिक। जरा ध्यान से समझें, फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू, ठीक। डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, एल एल स्क्वायर अपॉन मास, मास के लिए क्या लिखना है, एम एम इंटू एम, टू टाइम मास है, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, एक तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक, एम ऊपर चला गया, एम माइनस वन एल इंटू एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब और टी माइनस टू, मोस्ट आईएमपी डायमेंशनल फॉर्मूला, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, मोस्ट आईएमपी। प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट याद रखना ही है आपको, है ना, तो जरा ध्यान से समझें। प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है जरा बताएं, वन अपॉन टाइम पीरियड, मतलब टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, है ना, ध्यान से देखें जरा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन ऊपर चला गया, प्लस वन माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो ये हो गया टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, मोस्ट आईएमपी याद रखना ही है आपको। हबल कांस्टेंट हो गया इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये क्या हो गया आपका, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। वर्क एनर्जी का तो बार बार रिपीट होता रहेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, है ना, हीट एनर्जी, फिर से एनर्जी आ गया, एनर्जी का क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से, एनर्जी का क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, हीट एनर्जी है ना, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू,
ठीक। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं? मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, या तो किसी किसी बुक में क्या लिखा हुआ है? थीटा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? के। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए आ गया बेटा के, कि ऊपर चला गया। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, याद रहेगा एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जरा स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ये। ठीक, ध्यान से समझना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हीट एनर्जी का अभी फाइंड आउट किया, हीट एनर्जी अभी हमने फाइंड आउट किया था, या हम एनर्जी के लिए लिख सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, फिर क्या लिखना है? अपॉन अपॉन मास, मास के लिए क्या लिखते हैं बेटा? एम। टेम्परेचर के लिए क्या लिखना है? के। एम से एम कैंसिल आउट, एम जीरो है ना, एम जीरो हो गया। एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, जरा ध्यान से समझना। अभी तक हमने कहा था कि एम एल टी के फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है? एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। लेकिन अब जरा देखो, के एंटर कर गया है ना, तो न्यू, अब देखिए किसमें लिखना है बेटा अपन को? एम एल टी, इसके बाद के आएगा, इसके बाद सी डी आएगा, इसके बाद मोल आएगा, इसके बाद आई आएगा। ठीक है, अब हमने जो बेसिक पढ़ा है एम एल टी का, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट और थर्मल एक्सपांसिविटी, चेंज इन डायमेंशन, इसका हमने पढ़ा भी है, स्ट्रेन में हमने पढ़ा है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी थी, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसको तो आप क्या कर दीजिए, इसको तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, डायमेंशन लेस। अपॉन में क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए लिख दीजिए क्या? के। तो वन अपॉन के को आप ऊपर लेके चल जाइए, क्या हो जाएगा? के माइनस वन, इसका मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो के माइनस वन। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका बेटा? थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट और थर्मल एक्सपांसिविटी। अब ये सब क्या होते हैं, तो इसको हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ध्यान से समझना है ना। हीट एनर्जी का तो हम लिख लेते हैं एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, बहुत बार आ गया एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, थिकनेस, थिकनेस मतलब क्या? लेंथ, थिकनेस मतलब क्या है? लेंथ, लेंथ के लिए आपको क्या लिखना है? एल। ठीक है, एरिया के लिए आपको क्या लिखना है? याद करो, एरिया के लिए क्या लिखना है? एरिया के लिए क्या लिखना है? एल स्क्वेयर, एल स्क्वेयर इनटू। ठीक है, टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए के, टाइम के लिए टी, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? एल स्क्वेयर, एम टी ऊपर चला गया है ना, तो एम एल जीरो टी माइनस थ्री। ठीक है, नहीं, एक एल बचा हुआ है बेटा यहाँ पर है ना, एक एल बचा हुआ है, तो एम, ठीक है, एल टी माइनस थ्री ऊपर चला गया, टी माइनस थ्री, और ये क्या हो जाएगा? के माइनस वन। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? थर्मल कंडक्टिविटी का। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम है ना, फॉर्मूला किसका है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको जरा ध्यान से समझे भाई, आपको यहां पर भी वॉल्यूम दिख रहा है और ये भी वॉल्यूम दिख रहा है, दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचा गया बेटा चेंज इन प्रेशर। प्रेशर
प्रेशर का अपन लोग प्रेशर का फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हमको पता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस, सॉरी एम है ना, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया के लिए क्या लिखना है, एल टू, एक एल कैंसिल आउट कर दो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, बल्क मॉड्यूलस का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, बल्क मॉड्यूलस का। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। आपको पता होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी क्या होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स हाफ, सॉरी एम वी स्क्वेयर अपॉन वी, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर लिख दे, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर है ना। कंपेयर करो जरा, एफ इज इक्वल टू एम ए सी, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए इज इक्वल टू है ना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, वी मतलब वेलोसिटी, देखो लिखा हुआ है वेलोसिटी का स्क्वायर, आर मीन्स क्या, रेडियस, रेडियस भी लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी के लिए होता है एम जीरो एल टी माइनस वन है ना, होल स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, आर। आर मतलब क्या, रेडियस, रेडियस हो, थिकनेस हो, हाइट हो है ना, लेंथ हो, ब्रेथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इन सब के लिए क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है। ठीक है, एल लिखा जाता है, एल ये हमने लिख दिया, क्या हो गया, एम जीरो एल टू टी माइनस टू अपॉन एल, एक आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा फिर बेटा, एम जीरो एल टी माइनस टू। जरा देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम जीरो एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन वर्ड आया तो आप समझ जाइएगा क्या लिखना है, एल टी माइनस टू। जहां पर भी फोर्स वर्ड आया, ठीक है, जहां पर भी फोर्स वर्ड आया एम एल टी माइनस टू, जहां पर भी एनर्जी आया एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास, स्टीफन कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट जरा देखो क्या है, एनर्जी अपॉन एरिया, सॉरी एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम अपॉन में क्या बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, एनर्जी का हो गया एम एल टू टी माइनस टू, ठीक, अपॉन में क्या हो गया, एरिया इंटू टाइम। तो एरिया के लिए क्या लिखा हमने, एल टू है ना, टाइम के लिए क्या लिखा हमने, टी। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, टेम्परेचर के लिए क्या लिखना है, के की पावर फोर। जरा इधर देख लो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो एम है ना एल जीरो टी माइनस थ्री अपॉन के फोर, तो एम एल जीरो टी माइनस थ्री के माइनस फोर। आई होप आप समझ गए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका, स्टीफन कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट। नेक्स्ट है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर देख लेते हैं किसका बेटा, वीन कांस्टेंट का। तो वीन कांस्टेंट में क्या दिख रहा है, वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर, वेवलेंथ के लिए क्या लिखना है, एल, टेम्परेचर के लिए क्या, के, एम जीरो टी जीरो। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम जीरो एल टी जीरो और के, ये हो गया वीन कांस्टेंट का, वेरी इजी। सबसे बड़ी बात क्या है, फॉर्मूले याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे बन जाएगा, पहले तो ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी के लिए एम एल टू टी माइनस टू,
अपॉन में क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए के क्या हो जाएगा बोलो, एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वेरी इजी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। देखो मोल भी आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, प्रेशर के लिए क्या लिखना है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, इसको भी डिफाइन कर देते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए लिखना है एल टू, ए कैंसिल आउट हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, प्रेशर का हो गया। तो प्रेशर का हमने लिख दिया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल क्यूब अपॉन मोल के लिए क्या लिखना है, एम ओ एल। ठीक है, और टेम्परेचर के लिए क्या बेटा, के। तो जरा ध्यान से समझना, आप सीक्वेंस में लिख दीजिए, एम ये जरा देखो कितना हो जाएगा, एल माइनस माइनस वन प्लस थ्री टू, टी माइनस टू के ऊपर चला गया, के माइनस वन और मोल भी ऊपर चला गया, मोल इनवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। चार्ज, अब 12th में पहुंच गए, अब 12th में पहुंच गए, चार्ज के लिए क्या लिखना है, चार्ज के लिए क्या लिखना है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट के लिए आपको क्या लिखना है, करंट के लिए डाइमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखना है, चाहो तो आप आई लिखिए, चाहो तो ए लिखिए। ठीक है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या, चार्ज इज इक्वल टू करंट, करंट के लिए हम लोगों ने आई लिखना है, इनटू टाइम के लिए क्या लिखना है बेटा, टाइम के लिए लिखना है टी, चाहो तो आप ए भी लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना, टी जीरो तो नहीं होगा, क्या हो गया, टी एम जीरो एल जीरो टी और क्या लिखें, ए। चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, ए टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, करंट अपॉन एरिया। करंट के लिए अभी हमने लिखा ए टी, करंट के लिए क्या लिखा, ए टी, एरिया के लिए क्या लिखेंगे, एल स्क्वेयर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जीरो एल माइनस टू, है ना, टी और ए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, करंट डेंसिटी का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास वोल्टेज। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज के लिए तो हमने लिख दिया है, चार्ज के लिए अभी क्या लिखा था, ए टी। वर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन, चार्ज के लिए क्या लिखना है, ए टी। तो ये हो गया एम एल टू, है ना, टी ऊपर चला गया, माइनस थ्री ए माइनस वन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपने पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जरा ध्यान से समझें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अभी वोल्टेज का हमने क्या फाइंड आउट किया था, वोल्टेज का फाइंड आउट किया था अभी हमने, जरा देखो, है ना, क्या फाइंड आउट किया था, एम एल, ठीक है, टू टी माइनस थ्री और क्या फाइंड आउट किया था, ए माइनस वन। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, हाँ, आप जरा ध्यान समझे, करंट का, करंट का क्या, ए टी। तो ये हो गया बेटा एम एल टू, टी ऊपर चला गया, माइनस फोर, ए भी ऊपर चला जाएगा, ए माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। ठीक है, इतना। नेक्स्ट देख लेते हैं जरा, है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फाइंड आउट कर लेते हैं, कैपेसिटेंस का चार्ज, चलो बताओ जल्दी से, चार्ज का क्या होगा, चार्ज का हो गया 80। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी फाइंड आउट किया, एम एल टू टी माइनस थ्री, है ना,
ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं किसका किसका फाइंड आउट कर ले, एक मिनट। पोटेंशियल डिफरेंस ना, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने लिखा था है ना, चार्ज का तो हम लिख रहे हैं 80 और पोटेंशियल डिफरेंस है ना मतलब वोल्टेज, वोल्टेज के लिए हम लोग लिख रहे हैं एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एम ऊपर चला गया एम माइनस वन, एल टू टी माइनस में होगा, प्लस में हो गया ये टी फोर, ठीक है, और ए कितना हो जाएगा 2। ये डाइमेंशनल फॉर्मूला है किसका, कैपेसिटेंस का, किसका डाइमेंशनल फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का। तो आई होप जितने भी मैंने आपको डाइमेंशनल फॉर्मूला बताए हैं सारे के सारे डाइमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों से क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का है ना रेजिस्टेंस, अभी अभी फाइंड आउट किया था हमने रेजिस्टेंस का, क्या फाइंड आउट किया था है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था जरा देखो, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, करंट के लिए क्या था 80, फिर से समझा देते हैं, एम एल टू टी माइनस फोर ए माइनस टू। तो यहां पर अपन को हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, रेजिस्टेंस की। तो जरा देखो रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या लिखना है, एम एल टू टी माइनस फोर ए माइनस टू अपॉन एरिया, एरिया के लिए क्या लिखें, एल स्क्वेयर अपॉन में क्या है लेंथ, लेंथ के लिए एल, एल से एल कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट क्या है बेटा, एम एल टू एल वन एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ रहे हैं, इसके कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला और बच गए हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और बच गई है, जरा देख लेते हैं कितने हैं। तो कुछ 7 to 8 बच जाएगी है ना, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन जाएगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों से बन भी जाएंगे, ठीक है, और नहीं बनेंगे वैसे तो मैं कल इसको रिवाइज कराऊंगा ही, ठीक है, नहीं भी बनेंगे तो टेंशन नहीं लेने का है, फिर भी अच्छे से आपको ट्राई करना है, कल ही मैं फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। और आप लोग इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज की क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, थैंक यू सो मच।